मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तीसरे और अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने 19 में से 11 निकायों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 निकाय आए हैं। अब प्रदेश के कुल 413 में से 316 निकायों पर बीजेपी काबिज हो गई है। ऐसे में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि असल इम्तिहान में तैयारी के हिसाब से 9 महीने का वक्त ही बाकी है। मध्य प्रदेश में रामराजा सरकार की नगरी ओरछा को राम जन्मभूमि अयोध्या से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 550 किलोमीटर लंबी 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम राजा मंदिर इलाके का विकास काशी और उज्जैन के कॉरिडोर जैसा करेंगे। सीएम ने ओरछा में राम राजा लोक और चित्रकूट में वनवासी राम लोक का निर्माण करने की घोषणा भी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। रविवार को भोपाल में भूरिया ने संघ की शाखा में जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कार्रवाई करने की बात कही थी। भूरिया के इस बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा, कांतिलाल जी कई लोग चले गए, कब से लोग ये कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। इस संगठन से देश निर्माण की ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिससे लाखों स्वयंसेवक तैयार हो गए। तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। कांग्रेसियों की मुझे ये कुंठा समझ नहीं आ रही। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों को मिटा देंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। सीएम आज भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम सुघोष दर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने कल इंदौर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 4 युवकों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए युवकों से पुलिस ने 16 मैच के टिकट जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों ने सोशल मीडिया पर टिकट बेचने की सूचना दी थी। इसी आधार पर पुलिस ग्राहक बनकर आरोपियों तक पहुंची। पकड़ाए युवक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनसे 16 टिकट पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों पर मनोरंजन कर अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।